इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। एफएटीएफ की तरफ से पाकिस्तान को यह बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, एफएटीएफ के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। टेरर फंडिंग के चलते पाकिस्तान अब ब्लैकलिस्ट हुआ है। पहले ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान शामिल था, लेकिन अब उसे एशिया पैसिफिक ग्रुप ने ब्लैकलिस्ट किया है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर कार्रवाई नहीं करने पर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के 40 में से 32 पैरामीटर पर पाकिस्तान अयोग्य पाया गया है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, पाकिस्तान ने कोशिशें तो बहुत की कि ब्लैकलिस्ट ना हो वो, और एक रिपोर्ट भी उसने सौंपी थी जिसमें हाफिज सईद समेत तमाम आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई थी, लेकिन तमाम जो झूठी प्रोपेगेंडा थे वो काम नहीं आए और आखिरकार ब्लैकलिस्ट हुआ पाकिस्तान। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह की स्टेट पॉलिसी रही है पाकिस्तान की टेररिज्म को बढ़ावा देने को लेकर, उस स्टेट पॉलिसी के तहत हमने देखा कि पाकिस्तान लगातार एक ऐसा देश बनकर उभरा जो कि आतंक को प्रसरण देता है, आतंक को बढ़ावा देता है, जहां पर आतंक को लेकर फंड जो है वो साफ तौर पर उसका ट्रेल एक तरह से दुनिया जानती है। और यही वजह है कि उसको एफएटीएफ ने पहले ग्रे लिस्ट में डाला, चेतावनी दी, और साफ चेतावनी में कहा गया कि पाकिस्तान कड़े कदम आतंकी गतिविधियों के खिलाफ उठाए, आतंकवाद को प्रसरण दे। लेकिन पाकिस्तान नहीं माना, सिर्फ आंख में धूल झोंकने का काम उसने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का किया। जब हमने देखा कि किस तरह से आपकी सईद को डिटेन किया गया या फिर उनके खिलाफ जो है जो एक तरह से मनी ट्रेल है आतंकियों को लेकर, उस मसले में एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन बड़े लंबे समय तक कार्रवाई नहीं की गई, और जब कार्रवाई की भी गई तो आनंद फानंद में हमने देखा कि उसको रिलीज भी कर दिया गया। ये तमाम ऐसी चीजें थी जिसके पैरामीटर पर पाकिस्तान फेल हुआ। 40 पैरामीटर थे जिसमें से 32 ऐसे पैरामीटर है जिस पर पाकिस्तान फेल हुआ, और यही वजह है कि उसको अब ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। अक्टूबर में मीटिंग भी होने वाली है एफएटीएफ की, और माना जा रहा है कि उस मीटिंग में उसको परमानेंट ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। और ये साबित करता है कि भारत जो लगातार कह रहा था कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, उस पर अब दुनिया भी एक तरह से मोहर लगाती दिख रही है। बिल्कुल मधुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान के सामने मुश्किलें अब बढ़ जाएंगी, क्योंकि आर्थिक मदद मिलने में भी अब पाकिस्तान को काफी दिक्कतें होंगी। अभी एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया है, लेकिन अक्टूबर में एक मीटिंग होगी जिसके बाद पूरे तरीके से पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो सकता है।